हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये देखिए, आज बात करेंगे एक पैंथर कंपनी का रिक्शा है ये वाला। इसमें देखिए अक्सर दिक्कत ये आती है कि इसमें जो ये वाली रिले लगी होती है, आगे देखिए ये वाली रिले लगी होती है जो 12 वोल्ट से 48 वोल्ट को देता है, ये वाली रिले लगी होती है 4 पिन वाली। तो नॉर्मली इसमें पता है कि ये हमारी ये जो आमने सामने वाली ये पिने हैं ये कॉइल की है और ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसमें एक हमारा पॉजिटिव जाएगा 48 वोल्ट, एक नेगेटिव, नेगेटिव जो डायरेक्ट होता है और जो ये पॉजिटिव जो आएगा वो चाबी वाले स्विच वाला आएगा, ठीक है। और इसमें जो एक बैटरी के तार से डायरेक्टली 12 वोल्ट आता है और ये वाला जो हमारा ये इन है 12 वोल्ट, ये आउट है 12 वोल्ट, ओके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, इसमें लाइट और हॉर्न जो होता है वो सिंगल बैटरी से ही चलता है। इसमें मैं आपको दिखा दूं, कुछ पीछे का इंटरफेस देखिए मैं कैसे ये काम करता है, इसको खोल लूं। देखिए इसका बैक साइड का कंट्रोलर है, पीछे कंट्रोलर है और देखिए इसमें जो है ये वाला वायर जो गया हुआ है, देखिए ये वाला वायर है, ये देखिए वायर का कलर पहचान लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए रेड पे ब्लैक है, ठीक है। ये वायर है इसका, ये देखिए ये कॉमन है इसका और यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई है सीधा सिंगल तार। ये वाला वायर है यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए ये आया हुआ है वायर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, माफ़ कीजिएगा मेरा आवाज़ साफ भी नहीं आ रही होगी और थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि ऐसा कैमरा भी हिल रहा है आज और ये वीडियो मैं कैमरा जो बना रहा हूँ वो हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ। ये देखिए, देखिए वही वायर है। अब इसमें देखिए, इसमें मैं मल्टीमीटर चेक कराता हूँ, इसमें डायरेक्टली 12 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है मैं चेक कराता हूँ। ये पकड़ो मोबाइल कैमरा, इसको दिखाओ जरा यहाँ पे जूम करके। तो मल्टीमीटर को हम सिंपली मल्टीमीटर को 12 वोल्ट पे सेट करेंगे और यहाँ चेक करेंगे, देखिए ग्राउंड ये वाला हमारा आया हुआ है, देखिए ग्राउंड ये वाला आया हुआ है और ये वाला हमारा पॉजिटिव है। देखिए ग्राउंड ये आया हुआ है और ये वाला हमारा पॉजिटिव है, 12 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है, चाबी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये हमारा 12 वोल्ट आ रहा है और ये देखिए इसको हम कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कस्टमर का ये कहना है कि ये सिंगल बैटरी से चल रहा है, देखिए मैं इंडिकेटर आपको चेक करा दूं, देखिए जल रहा है, हॉर्न भी बज रहा है, देखिए। लेकिन अब कस्टमर का ये कहना है कि ये डब्बी जो है ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है और दूसरी बात इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये सिंगल बैटरी पे ही हमारा हॉर्न और लाइटें जितनी लाइटें हैं ये चल रही है, इसका कोई और सॉल्यूशन है? तो देखिए मैं इसका एक सॉल्यूशन आप लोगों को आज बताऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि कैसे इसको समझते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है और थोड़ा सही से आप देखिए। ये वाला डब्बी का कनेक्शन मैं आपको बता दूँ, इसमें 4 पिन होते हैं, देखिए ये जो दोनों पिन है ये रिले की है और ये वाला हमारा जो है ये 12 वोल्ट इन है और आउट है ये वाला, ठीक है, इसमें 4 पिन होता है। अब देखिए इसकी जगह क्या करना है, देखिए अब हमारा ये पीछे से तो बैटरी का तार आ रहा है ये वाला, इसको से इससे लेना देना नहीं होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा बैटरी से आ रहा है इससे लेना देना नहीं होगा। अब हमने सिर्फ यूज करना है इसमें 3 वायर, ये देखिए 48 वोल्ट और ग्राउंड और ये 12 वोल्ट आउटपुट, तो इससे लेना देना नहीं होगा हमारा, इसको हम कर देते हैं साइड। यहाँ से देखिए कैसे इसको साइड करेंगे, ये दिखाता हूँ मैं। अगर आप इसको चाहें तो डेक की पर्पज से यूज कर सकते हैं, डेक बजा सकते हैं बिना कन्वर्टर के, ओके। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 12 वोल्ट डायरेक्टली आ रहा है मल्टीमीटर में, आ रहा है ना, देखिए इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। अब देखिए ये वाला जो वायर है ये हमारा 48 वोल्ट को जब चाबी ऑन करेंगे तब आएगा, देखिए अभी मैं चेक करा रहा हूँ, देखिए ग्राउंड ले लिया, इसके ऊपर देखिए कोई वोल्टेज नहीं, तो ये देखिए ये तो हमारा डायरेक्टली बैटरी से वायर आ रहा है। अगर आप डेक बजाना चाहते हैं डायरेक्टली बैटरी से तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये बेकार है अब हमारे लिए। अब इसका यूज करेंगे सिर्फ 3 वायर, ये देखिए भैया थोड़ा पीछे पीछे रहिएगा, ये देखिए ये हमारा 12 वोल्ट आउटपुट है और ये 48 वोल्ट इन है और ये वाला जो है हमारा ये वाला ये ग्राउंड है। तो अभी मैं चेक कराता हूँ, देखिए ग्राउंड पे ले लिया, मल्टीमीटर को 220 के रेंज में करेंगे 200 पे और देखिए ये पॉजिटिव हमने लगा लिया हुआ है। वायर को ध्यान से देखिएगा, अभी मैं जैसे ऑन करूंगा तो यहाँ आपको 48 वोल्ट की रीडिंग आएगी, देखिए 50 वोल्ट की रीडिंग आ गई। तो अब क्या करना है, डीसी
डीसी जो कन्वर्टर है उसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है उसका समझते हैं। अब 20 वायर से लेना देना नहीं है, इसको मैं अगर चाहूं तो कटर से काट के निकाल सकते हैं और पीछे से बैटरी का तार भी तोड़ सकते हैं जहां पे वो हमारा ग्राउंड जुड़ा हुआ है, जहां पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देखिए अब इसमें लगा रहा हूं मैं डबल डीसी कन्वर्टर लगा रहा हूं जो कि 12 एम्पियर का नॉर्मली होता है। देखिए डबल कर रहा हूं इसको, आज इसमें डबल कनेक्शन भी बता दूंगा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखिए इसका डीसी कन्वर्टर जो कन्वर्टर है इसका जो 48 वोल्ट है उसको दोनों को एक जगह कर लेंगे और इसको 48 वोल्ट वाले वायर के संग कनेक्शन कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मली है, थोड़ा समझने की दिक्कत है आपको, एक बार समझ लेंगे तो पूरा अच्छे से। देखिए और इसको टेप कर देंगे इसको। अब इसमें एक वायर हमारा बचा ग्राउंड और एक बचा पॉजिटिव आउटपुट, जो पीला वाला है वो 12 वोल्ट आउटपुट है तो इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। देखिए ठीक है, इसके संग हमने कनेक्शन कर दिया इसका और इसको भी टेपिंग कर देंगे। फिलहाल मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, जब इसको लड़के फिर बाद में अच्छे से फिट कर देंगे। मैं अभी आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। और ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड देखिए नॉर्मली, ग्राउंड को भी हम यहाँ पे जो ये है इसको देखिए यहाँ से पूरा छील लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल हो जाएगा। और देखिए इसको हमने ग्राउंड कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा काट देंगे क्योंकि काफी भद्दा लगेगा और टेप भी सही से नहीं लगेगा। और इसको ग्राउंड को पकड़ के इस प्रकार से हम इसको टेपिंग कर देंगे। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या है इसका मैं बेनिफिट बताऊं आपको। सबसे फर्स्ट स्टेप, माफ कीजिएगा मेरी आवाज आपको साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे मैं रोड के किनारे थोड़ा काम कर रहा हूँ तो वहीं पे मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारी लाइट और हॉर्न इंडिकेटर हो वो सिंगल बैटरी से नहीं चलेगा। अब इसका जो लोड होएगा वो चारों बैटरी से लोड होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है। और दूसरी बात है ये बार बार जो डब्बी खराब हो जाता है ये बार बार खराब नहीं होएगा। अब देखिए मैं चाबी को ऑन करता हूँ और नॉर्मली मैं इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ। देखिए हॉर्न भी बज रहा है। अब मैं पीछे से बैक साइड से आपको वो वायर हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये वायर लगा था, इसको निकाल देंगे यहाँ से। देखिए इसको निकाल दिया फिर भी बजर की आवाज आपको आ रही होगी। तो आप इस तरीके से 12 वोल्ट के रिले का कनेक्शन कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप रिले की जगह डीसी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ये होता है कि वो सिंगल ये जो लाइट थी वो इस बैटरी से चल रही थी, लाइट है, हॉर्न है, इंडिकेटर है, इस बैटरी से चल रही थी और अब ये जो चल रही है वो चारों बैटरी से चल रहा है, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है तो आप मुझे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8931000172, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।